नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। हिमाचल के किन्नौर में जिस तरीके से पहाड़ टूटा और उसके मलबे के नीचे बस कार चपेट में आई, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि बस में जो 40 यात्री सवार थे उनका क्या हुआ। अभी तक उनके बारे में कुछ अता पता नहीं है। अलबत्ता ड्राइवर को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ड्राइवर के बदहवासी देखिए और क्या बता रहा है ये भी जरा देखिए। जैसा कि आपने देखा, ड्राइवर इस हालत में नहीं है कि वो कुछ भी बता सके, कुछ कह सके। बस वो तो उस मंजर को याद करके भयभीत हो रहा है और अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। ये चील जंगल के पास नेशनल हाईवे 5 पे हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा है। यूं तो बारिश में इस तरीके के हादसे होते हैं, लेकिन जिस तरीके से गाड़ियाँ रुकी हुई थी और बस गुजर रही थी, हिमाचल रोडवेज की बस बताई जा रही है, वो चपेट में आई है, वो बड़ी बात है कि आखिरकार लापरवाही कहाँ हुई। और किन्नौर में इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक होती चली जा रही है। जरा देखिए कि कैसे ये हादसा हुआ है। वो देखो, तो जैसा कि आपने देखा, बहुत ही भयावह मंजर है और राहत बचाव में भी दिक्कत आ रही है क्योंकि अभी भी पहाड़ का टूटना जारी है। इस पे हमारी नज़र है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।